विजन आपको कैसे पता चलेगा कि आपका विजन ठीक है या गलत है? तो उसमें आप उसके पीछे देखोगे POV, पर्पस ऑफ विजन, विजन की नस्वल ऐन की वजह, कि आप ये करने क्यों चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पूरी दुनिया में दीन फैल जाए, क्यों? आप चाहते हैं कि पूरी दुनिया में इलाज फ्री हो जाए, क्यों? आप चाहते हैं कि हर गरीब को घर मिल जाए, क्यों? आप चाहते हैं कि हर गरीब बंदा हज पे चला जाए, क्यों? वजह, अगर वजह आपकी अल्लाह की रजा है, तो ये विजन आपका क्या है? ठीक। अगर विजन आपकी अल्लाह की रजा नहीं, पर्पस ऑफ विजन वजह, तो ये विजन आपका ठीक नहीं, ये फिर आपकी मन चाहिए, नफ्स की ख्वाहिश है, ये विजन हम इसको नहीं कहेंगे। और जो हमारे और गैर मुस्लिमों में फर्क यही होता है, हमारे विजन के पीछे वजह होती है कि अल्लाह की रजा है, उनकी विजन के पीछे उसकी वजह नहीं होती, जिसकी वजह से वो क्या होते हैं, टेंशन में होते, और वो विजन हासिल करने के लिए सारे रिश्ते नाते तोड़ देते कि विजन मुझे मिल जाए, मेरा विजन मुकम्मल हो जाए। हम कहते हैं नहीं, विजन बनाना है लेकिन रिश्ते नातों को नहीं तोड़ना है। ये नहीं कि आपने विजन बनाया है बहुत बड़ा, लेकिन आपके जो रिश्तेदार है उसको आप छोड़ रहे हैं, वालिद को छोड़ रहे हैं, वालदा को छोड़ रहे हैं, तो सब कुछ, हर फील्ड, हर चीज को देखना है, सब में विजन बनाना है। ये नहीं कि एक विजन में आप वो बहुत आगे चले गए, पैसे कमा रहे कमा रहे कमा रहे, और दूसरा विजन रिश्तेदारी के, उसमें आप जीरो पे, बच्चों की तरबियत है उस पर आप जीरो पे, वो संडे वाला अंकल वाला किस्सा हो जाएगा। सुनाया था? नहीं सुनाया था यार। वो एक बंदा होता है, सुबह जाता है दफ्तर तो उसके बच्चे सो रहे होते, तो शाम को, रात को जब आता है उस वक्त भी बच्चे सो रहे होते, यही उसका दिन भर का रूटीन होता है। इतवार वाले दिन छुट्टी होती है तो घर पे होते हैं, तो बच्चों को फिर थोड़ा गिफ्ट शिफ्ट दे देता है, थोड़ा उसके साथ बैठ जाता है, गपशप कर लेते हैं। तो एक दिन क्या होता है, बुध वाले दिन वो जाता है दफ्तर में, कोई मसला होता है, छुट्टी होती है, तो वापस घर आ जाता है। इसी घर में दाखिल होते हैं तो बच्चे देखते वो डांस शुरू कर देते, कहते अम्मी वो संडे वाले अंकल आ गए, संडे वाले अंकल आ गए, यानी जो सिर्फ संडे वाले दिन होते वो अंकल आ गए। तो उसकी वालदा बोलती है, बगैरत ये तुम्हारे अब्बू है, ये संडे वाले अंकल नहीं है। तो आज हमारी जिंदगी भी संडे वाले अंकल की तरह है, बच्चों की तरबियत की कोई फिक्र ही नहीं है, पैसों पे पैसे कमा रहे, कमाए जा रहे कमाए जा रहे, टेंशन टेंशन टेंशन, किसी तरह पैसा आज। फिर कहते क्यों? बोलते बच्चों के लिए कमा रहा हूं, अगर टाइम नहीं दे रहा हूं बच्चों के लिए तो बच्चों के लिए कमा रहा हूं। बच्चों की आपके पैसों की कोई जरूरत नहीं, उसके बचपन में अगर आप उसके नहीं हुए तो बुढ़ापे में फिर आपके नहीं होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक। तो टेस्ट कैसे करेंगे विजन को? POV, पर्पस ऑफ विजन, विजन का पर्पस क्या है उसको देखना है, और हर विजन के पीछे पर्पस आपको होना चाहिए। आप वालदेन की खिदमत कर रहे हैं, आप अच्छा बेटा बनना चाहते हैं, क्यों? अल्लाह की रजा की। ये नहीं है कि यार मेरे वालदेन मेरी तारीफ करे और मेरे जायदाद मेरे नाम करवा दे अपनी जिंदगी में, अगर ये लालच है तो ये विजन फिर ठीक नहीं। आप चाहते हैं यार कि मैं एक बहुत आलीशान मदरसा कायम कर लूँ, अगर विजन, पर्पज ऑफ विजन ये है कि वाह हो, नाम हो, कि यार मुफ्ती सोहेब साहब, यार क्या बड़े मुफ्ती है यार, क्या मदरसा बनाया है यार, वो मुफ्ती खुबैब साहब माशाल्लाह, वो मुफ्ती अब्दुल मालिक साहब माशाल्लाह, हाँ मुफ्ती अब्दुल मुसविर साहब, तो फिर क्या होगा? वो पर्पस ऑफ विजन नाकाम है, आपका ये विजन किसी फायदे का नहीं। लेकिन अगर आपका विजन और उसका पर्पस क्या है कि अल्लाह राजी हो जाए, तो आपका छोटा सा मदरसा हो, अल्लाह की रजा हो, तो आप कामयाब। बहुत आलीशान मदरसा हो लेकिन विजन आपका, पर्पस अल्लाह की रजा नहीं है, नाम नमूद है, तो आप क्या है? नाकाम। यहां तक बात समझ में आ गई?